गुलबर्गा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से कांग्रेस एमपी कैंडिडेट राधाकृष्णन डोडेमणि जी की भारी अक्सरियत से जीत होने पर शहर के सड़कों पर जश्न का माहौल देखा गया है। इस मौके पर दरगाह एरिया जलालवाड़ी पर गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस माइनॉरिटी प्रेसिडेंट नईम खान की जानिब से राधाकृष्णन डोडेमणि जी को फेलिसिटेट कर मुबारकबाद पेश की गई है और साथ ही अपने तमाम साथियों के साथ जोरों शोर से जश्न मनाते हुए अपनी खुशी जाहिर कर नईम खान राधाकृष्णन डोडेमणि जी को गोद में उठाते देखे गए हैं। इस बार के इलेक्शन में बीजेपी जैसी फासिस्ट ताकतों को हराकर राधाकृष्णन डोडेमणि जी को जिताने में तमाम डिस्ट्रिक्ट के लीडर्स, एमएलए, मिनिस्टर्स, कार्यकर्ताओं ने काफ़ी अच्छी मेहनत की है और 50,000 से ज़्यादा लीड दिलाकर गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए और खासकर गुलबर्गा शहर की आवाम ने बड़ी भूमिका अदा की है। जीत की खुशी में मनाए गए जश्न के बाद गुलबर्गा कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी प्रेसिडेंट नईम खान ने प्रियांक खड़गे, शरण प्रकाश पाटिल, कनिष फातिमा और दीगर तमाम शहर के वोटर्स की तारीफ कर खुशी जाहिर की है। इस मौके पर फराजुल इस्लाम, जैदुल इस्लाम, मजहर अलाम खान, खुसरो जागीरदार, शमशेर अहमद, अजीम शेख, इमरान खान और दीगर सभी ने मिलकर कांग्रेस को मिली जीत का जश्न मनाया है। चला इसको बोलते हैं डीजे समीर की हलगी। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी प्रेसिडेंट की हैसियत से मैं तमाम डिस्ट्रिक्ट के आवाम को, तमाम कम्युनिटी को, हिंदू मुस्लिम तमाम कम्युनिटी को जो है ना बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ राधा कृष्णा साहब की जीत पर, और तमाम जो है ना इंडिया गठबंधन को भी जो है ना बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और तमाम जो है ना सोनिया गांधी तमाम लीडर को जो है ना मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आज जो गुलबर्गा शहर में, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट से जो राधा कृष्णा साहब जीते हैं, ये आवाम की जीत है। आवाम ने जो कसीर तदाद से निकल कर घर के बाहर जो वोट डाले हैं, इतनी धूप की शिद्दत रहने के बावजूद भी जो घर से निकल कर हमारी माँ बहनें जो है ना डाले हैं वोट, जिसका जो है ना रिजल्ट लिया आया है कि शहर गुलबर्गा की जो सीट जो जीती है, जो लीड आई है, और ख़ास करके जो नॉर्थ की जो लीड आई है, मैं बहुत बहुत गुलबर्गा नॉर्थ की भी आवाम को जो है ना बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, मुबारकबाद के हकदार हैं। और मैं मैडम कनिष फातिमा को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, जिनकी लीडरशिप में यहाँ पे जो है ना 53,000 की लीड जो है ना नॉर्थ से मैडम दिए हैं। तो यहाँ के तमाम कांग्रेस पार्टी के पूरे डिस्ट्रिक्ट से जो है ना कांग्रेस पार्टी के वर्कर, पूरे जिम्मेदार एक एक लोग जो है ना अपनी जिम्मेदारी पे जो है ना काम करे हैं, कर तो राधा कृष्णा साहब को यहाँ से भारी अक्सरियत से जीत दिलाए हैं। इस मैं समझता हूँ रमज़ान से जो प्रोग्राम स्टार्ट हुए हैं, मैं समझता हूँ रोज़े की हालत में भी पूरे जितने वर्कर हैं सुबह 8 बजे, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे मीटिंग लेकर जो प्रियंक खड़गे साहब, डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल साहब, मैडम कनिष फातिमा, तमाम जो है ना राधा कृष्णा साहब जो मेहनत करे हैं, दिन रात मेहनत करे हैं, तो जो है ना ये रिज़ल्ट आया है। मैं जो है ना तमाम जो है ना लीडर्स को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि यहाँ के राधा कृष्णा साहब की जीत, यहाँ की आवाम की जीत है, यहाँ के लोगों की जीत है, जो देश भर में एक अच्छा मैसेज जाएगा खड़गे साहब का। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है ना जो जीते हैं, एक सेंट्रल लेवल पे जो है ना एक मैसेज जाएगा, यहाँ की आवाम का मैसेज जाएगा, खड़गे साहब का मैसेज जाएगा, आरके साहब का मैसेज जाएगा, यहाँ की आवाम का जो है ना मैसेज जाएगा। आज देश को जो है ना बहुत सख्त ज़रूरत है। आज 200
30 के करीब जो इंडिया गठबंधन आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये मेहनतों की जो है ना वजह से है, और कुछ लोगों के जो है ना जहन में जो हिंदू मुस्लिम का जो बेटा है, वो कुछ लोगों की जो है ना जहनियत को ख़राब करके यहाँ पे कुछ सीट कम आए हैं। मैं समझता हूँ आने वाले दिन में जो डेवलपमेंट के नाम पे जो कांग्रेस वोट मांगी है, राहुल गांधी साहब जो वोट मांगे हैं, खड़गे साहब कांग्रेस पार्टी ने जो वोट मांगे हैं, मैं समझता हूँ आने वाले दिन में इंशाल्लाह हुकूमत कांग्रेस की ही बनेगी, इंडिया गठबंधन की ही बनेगी। बनने के बाद जो है ना जो स्कीम जो मैनिफेस्टो जो लाए थे, जो बताए हैं, जो इंशाल्लाह आने वाले दिन में वो मैनिफेस्टो जो है ना पूरी कांग्रेस करेगी। आने वाले दिन में आवाम को मालूम होगा, पूरे देश भर की आवाम को यह मालूम होगा कि कांग्रेस पार्टी जो है ना अपने वादे पे खड़े उतरती है, अपने वादे पे काम करती है। आने वाले दिन में लोगों के जो जहन भी ख़राब हैं, वो लोगों के भी जो है ना जहन सही होंगे आने वाले दिनों में, तो और जो है ना लीड से जो है इंडिया गठबंधन कांग्रेस आएगी। प्रियंका खड़गे का एक आलिमगंज के प्रोग्राम में एक स्टेटमेंट आया था कि अब की बार उमेश यादव कलबुर्गी के बाहर बने। जी, तो क्या कहना है? मैं कलबुर्गी के बाहर होना ज़रूरी था उन्होंने, क्योंकि उनका जहन एक कम्युनल जहन है, वो आवाम में जो है ना वो दिल नहीं जीत सके उन्होंने, इसलिए जो है ना प्रियंका खड़गे साहब का बयान बोलना ज़रूरी था, क्योंकि वो खाली जो है ना सेड़म रोड पे, हमनाबाद रोड पे सिर्फ पेशेंट को ले जाकर, एक्सटेंड पेशेंट को ले जाकर एडमिट करे जो हैं, उससे हटकर कोई डेवलपमेंट नहीं करे, क्योंकि बीजेपी हुकूमत रहने के बाद वो जो है ना काम नहीं करते हैं, खाली प्रपोजल रखे, रिंग रोड का प्रपोजल रखे, वो प्रपोजल रखे, प्रपोजल रखने से काम नहीं होता, लिखा कर काम करना पड़ता। वो काम खड़गे साहब करे जो हैं, और खड़गे साहब के साथ बाद अगर कोई काम करेंगे तो राधा कृष्णा साहब करेंगे, यहाँ का फ्यूचर बदलेंगे, यहाँ के नौजवानों का मुस्तकबिल बदलेंगे। इंशाल्लाह आने वाले दिन में हम राधा कृष्णा साहब से बहुत उम्मीद रखते हैं। क्या लगता है कांग्रेस पार्टी अब की बार कलबुर्गी से बीजेपी को सफाया कर दी है? वो वादों पे काम ही नहीं करती, इसलिए जो है ना उनका सफाया होना ज़रूरी है। आने वाले दिन में पूरा सफाया होगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहले तो मैं राधा कृष्णा साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि आज रिज़ल्ट उनके हक़ में आया है, और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट की आवाम को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत कोशिश की है यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करने के लिए, क्योंकि दो वक्त तीन वक्त प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर आकर यहीं से कैंपेनिंग स्टार्ट करें, बहुत से चीज़ें यहाँ पर आकर कुछ लोगों में ज़हनत ख़राब करने की कोशिश करे, मगर के आवाम ने डिसाइड किया था इस बार जो बेरोज़गारी 10 साल जो प्राइम मिनिस्टर ने काम जो झूठे वादे किए हैं वो कुछ इस पर एक भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। बेरोज़गारी जॉब्स के लिए देखिए आप, कई ऐसे महंगाई देखिए, कई ऐसे चीज़ें हैं जो लोग तंग आ गए थे, इसलिए इस बार जहन बना लिए थे इस बार बीजेपी को सफाया करना बोलकर यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहिबा, क्यों क्योंकि उनके लीडरशिप में तमाम वर्कर्स जो छोटे से लेकर पूरे बड़े लीडर, कारपोरेटर्स हो या माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो, जब तमाम पूरे मिलकर एक होकर यहाँ पर राधा कृष्णा साहब को जीताए हैं, और मैं मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने यहां पर 53,000 की लीड यहां पर दिलाई है, ये बहुत बड़ी बात है। एक खड़गे साहब को पूरे इंडिया में एक मैसेज जाएगा यहां पर। मैं और एक बार मेरी जानिब से, तमाम लोगों की जानिब से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अध्यक्ष साहब को, और NDA हुकूमत यहाँ पर पूरा सफाया होगा, और इंडिया गठबंधन इंशाअल्लाह यहाँ पर हिंदुस्तान में गवर्नमेंट बनाएगी, हमको यकीन है और हमको भरोसा है।